हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू मेक मूंग स्प्राउट्स एट होम। वैसे तो स्प्राउट्स मार्केट से भी मिल जाते हैं, लेकिन महंगे मिलते हैं। और दूसरा, हमें ये नहीं पता होता कि वो कब की पैकिंग है, कब से पैक करके रखे हुए हैं। और ये एक सुपर फूड है, तो बेहतर होगा कि आप इसे मार्केट से ना लेकर घर पर ही बनाएं। और स्प्राउट्स बनाने घर पर बहुत ही आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इन्हें बहुत ही आसानी से हम घर पर बना सकते हैं। ये एक सुपर फूड होने के साथ साथ ये वेट लॉस में भी बहुत ही मदद करता है। अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल करें। तो आइए देखते हैं कि स्प्राउट्स को घर पर कैसे बनाते हैं। इसी के साथ मोनिकाज किचन में आपका स्वागत है। इजी और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए मोनिकाज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। मूंग स्प्राउट्स बनाने के लिए साबुत मूंग दाल चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 1 कप साबुत मूंग दाल ली है। तो ये साबुत मूंग दाल कुछ इस तरह की होती है। और 1 कप मूंग दाल से हम काफ़ी सारे स्प्राउट्स बना सकते हैं, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें इस दाल को कुछ देर के लिए भिगोना है, तो मैं इसे भिगो देती हूँ। साबुत मूंग दाल को मैंने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। तो अभी भिगोने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, तो अभी हम इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल देंगे, इसे एक छलनी में छान लेंगे। दाल को मैंने छलनी में निकाल लिया है, तो अभी स्प्राउट्स बनाने के लिए मूंग दाल तैयार है। स्प्राउट्स बनाने के लिए मैंने स्प्राउट मेकर लिया है, तो ये आपको मार्केट में इजली मिल जाएगा। ये लोकल मार्केट से भी आपको 200-250 में इजली मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से होता है। इसमें 2 कंटेनर वाला मेरे पास स्प्राउट मेकर है, तो इसमें 2 तरह के स्प्राउट्स एक साथ बनाए जा सकते हैं। और नीचे इस तरह से बेस होता है, तो बेस के ऊपर हम 1 कंटेनर रखेंगे और उसमें हम जो भिगोई हुई मूंग की दाल है उसको डाल देंगे। तो आधी मैं इस कंटेनर में डाल दूंगी, तो इस तरह से फैला देंगे। तो आप इस कंटेनर में एक रेड कलर का कैप देख रहे हैं, तो उस कैप को क्लीन रखें, तो उसके आसपास दाल को हम नहीं डालेंगे, उसको थोड़ा सा दूर रखेंगे और बाकी सब में इस तरह से फैला देंगे ताकि हमारे अच्छे से स्प्राउट्स बन सकें। तो इसी तरह से हम दूसरे में भी बाकी दाल डाल देंगे और कैप को क्लीन रखेंगे। तो इस स्प्राउट मेकर में आप 2 अलग अलग तरह के स्प्राउट्स बना सकते हैं, एक में चने बना सकते हैं, एक में दाल के बना सकते हैं। तो मैं दोनों में दाल के ही बनाने वाली हूँ। कंटेनर में दाल फैलाने के बाद हम 4 से 5 चम्मच पानी के इस तरह से फैला देंगे ताकि दाल थोड़ी सी गीली रहे। तो आप कंटेनर में एक रेड कैप देख रहे हैं, तो स्प्राउट मेकर में सबसे ज़रूरी है कि हम कंटेनर को किस तरह से लगा रहे हैं, उसी हिसाब से आपके स्प्राउट्स अच्छे बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिधर 1 कंटेनर की कैप है, तो दूसरे की हम अपोजिट रखेंगे। तो आप कंटेनर को इस तरह से लगाएंगे कि दोनों कैप आपस में एक ही साइड ना हो, अपोजिट साइड हो। तो दूसरे कंटेनर में भी हम 4 से 5 चम्मच पानी के फैला देंगे। और फिर इसका ढक्कन लगाकर हम इसे रख देंगे। और फिर मैं आपको कुछ घंटों के बाद दिखाऊंगी कि कैसे कैसे स्प्राउट्स बनते जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती रहूंगी। तो अभी इसको मैं माइक्रोवेव के ऊपर रखने वाली हूँ। 4 घंटे के बाद दाल कुछ इस तरह से दिखाई देती है। साबुत मूंग दाल को अंकुरित करने के लिए रखे हुए 8 घंटे हो चुके हैं, तो 8 घंटे के बाद दाल किस तरह से दिखाई देती है मैं आपको दिखाती हूँ। तो दाल थोड़ी थोड़ी अंकुरित होनी शुरू हो चुकी है। तो फिर मैं इसको अभी आपको 24 घंटे के बाद फिर से दिखाऊंगी। दाल को अंकुरित करने के लिए रखे हुए पूरे 24 घंटे हो चुके हैं, तो 24 घंटे के बाद दाल किस तरीके से अंकुरित हुई है देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 24 घंटे में दाल कितनी अच्छे तरीके से अंकुरित हुई है, बहुत ही बड़े बड़े स्प्राउट्स बनकर तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही कंटेनर में एक जैसे स्प्राउट्स बनकर तैयार हुए हैं। तो अगली बार आप भी घर पर ही स्प्राउट्स बनाएं। और जो हमने इसमें पानी डाला था, अगर एक्स्ट्रा पानी होता है तो नीचे बेस में आ जाता है। तो अभी हम इनको किसी कंटेनर में निकाल लेंगे।
अगर आपके पास स्प्राउट मेकर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं आपके लिए दूसरा तरीका शेयर करूं विदाउट स्प्राउट मेकर के हम स्प्राउट्स कैसे बना सकते हैं। तो अभी इन कंटेनर में निकाल कर हम इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं, फिर 2 से 3 दिन तक हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मोनिकाज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थोड़ी सी दाल से हमने इतने सारे स्प्राउट्स घर पर ही तैयार कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।